मैन्युफैक्चरिंग समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप किस कलर के तार दिख रहे हैं, रेड है और क्या है, व्हाइट है, रेड और व्हाइट। तो इसका संपर्क किससे होता है, एलईडी से होता है, ठीक है। चलिए एलईडी के पास जब आएंगे तो एलईडी के यही दोनों तार है ना, तो देखिए रेड है और क्या है, ब्राउन है, रेड और ब्राउन। तो कहीं ना कहीं रेड इसी जगह से आ गया, व्हाइट कलर का तार दिख रहा है, ये आपको पीसीबी में पीछे साइड में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर पीसीबी में मिल रहा है तो किसका होगा, कलर का तार दिख रहा है आपको, किसका दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है कि नहीं, ये ब्राउन कलर का तार पीछे न्यूट्रल के रूप में मिलना चाहिए पीसीबी के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं हम पीछे की साइड में, देखते हैं कि ये तार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दो तार याद रखिएगा, एक तो क्या होगा व्हाइट, दूसरा क्या होगा ब्राउन होगा। अब यहाँ पर हमने देखा तो आपकी पीसीबी पीछे की साइड में आएंगे तो क्या होगा, पीसीबी चौक पीसीबी होगा, क्या होगा चौक पीसीबी। इसके अंदर पूरी वायरिंग है, पूरी क्या है वायरिंग, बाकी आप देख रहे हैं कि सब मैकेनिकल वही है कि नहीं, बाकी है इसके अंदर आप चौक पीसीबी। चौक पीसीबी को यदि निकालना होगा तो यहाँ से जैक से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। नीचे लॉकर है, लॉकर को हम ऐसे दबाएंगे, क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। देखिए हमने व्हाइट कलर का तार बताया था, अब कुछ हमने डायग्राम में भी बताया था, कुछ अलग होता है बनाया था कि नहीं, तो व्हाइट कलर का तार कहाँ पहुंच रहा है, अभी आपने देख लिया डोर स्विच में पहुंच रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद आपने किसका, ब्राउन माइनस हो गया। अब हमने डायग्राम में सबको माइनस, माइनस को क्या कर दिया है, सभी में लूप कर दिया, डायग्राम में बनाया था कि नहीं, यानी डायग्राम में आप देखेंगे तो रोटरी स्विच में भी था एक तार, एक तार किस में था, सेंसर में था, दूसरा दूसरे सेंसर में था, ऐसा था कि नहीं। तो इस सबको माइनस कहां से मिलेगा, इसी जगह से मिलेगा। बकिया आपको जो ई तार आपको दिख रहे सब क्या है, फेस है, ये सब क्या है, फेस है, ठीक है। अब इस फेस को क्लियर करना है, ये तो फेस क्लियर हो गया किसका है, और ये माइनस हो गया। अब ये तीन फेस हमें क्लियर करना है किसका है, तो इसके लिए आप डायग्राम को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे, ब्राउन है, ब्राउन कलर का तार मिल गया, ब्राउन कलर का तार देखिए क्या, डिफ्रार सेंसर में गया, देख रहे हैं ना, और इसी जगह से कहाँ गया, दूसरे सेंसर में गया, इसी जगह से देखिए कहाँ गया, रोटरी स्विच में गया, और इसी जगह से फिर देखिए ऐसे घूम करके आपका एलईडी के पास आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। तो क्लियर हो गया कि ब्राउन वाला किसका है, एलईडी का है। अब देखिए इसके अंदर यदि आप येल्लो देखना चाहते हैं कि येल्लो तार किसका है, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम के ऊपर देखिए ये क्या लिखा है, वाई एल, येल्लो देखिए किस में जा रहा है, डिफ्रास्ट सेंसर में जा रहा है, क्लियर हो गया। ब्राउन माइनस और येल्लो क्या, येल्लो क्या प्लस हो गया, ठीक है ना, क्या प्लस, क्लियर हो गया, येल्लो तार भी मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है, यहाँ क्या है, ऑरेंज है। अब ऑरेंज यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका ब्राउन माइनस और ऑरेंज क्या, फेस किसको, एयर सेंसर को, किसको मिला, एयर सेंसर को, क्लियर हो गया कि ऑरेंज एयर सेंसर पे क्या पहुंच रहा है, फेस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ स्काई ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है ना, अभी स्काई ब्लू होगा, देखिए एस डब्लू क्या है, एस डब्लू ये किसका है, किस पे जा रहा है, रोटरी स्विच पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, रोटरी स्विच पे। तो ये तीनों का फेस मिल गया कि नहीं मिल गया, ये भी फेस मिल गया, रोटरी स्विच पे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इधर के जो हमारा इसके अंदर अगर थोड़ा सा हम समझेंगे तो आपका ये रिले दो लगा, हमें डायग्राम में बनाया था, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला रिले है ये कूलिंग के लिए है, और छोटा वाला रिले हीटिंग के लिए, हीटिंग के लिए, और ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। इसकी हम जब विस्तृत आपको बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर हम आपको क्या कर देंगे, बता देंगे। इसके बाद इधर के फंक्शन सारे किस पे हो गए, डीसी पे, इधर के सारे फंक्शन किस पे होंगे, एसी पे होंगे, समझ रहे ना। अब एसी के अंदर, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि मेन लीड है, ये क्या है, मेन लीड, मेन लीड में एक कनेक्टर लगा हुआ है। तो इधर देख रहे हैं कि मेन लीड में आपका रेड और माइनस, क्लियर है, और ये अर्थ का तार बॉडी के अंदर क्या है, अटैच है, ठीक है। तो इधर भी फेस और न्यूट्रल निकलेगा ना, तो देखिए ब्राउन और रेड, ब्राउन और रेड इसमें आ गया कि नहीं, न्यूट्रल फेस पीसीबी में आ गया। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज कलर है, क्या है, ऑरेंज कलर। अब इस डायग्राम में देखेंगे ना तो देखिए यहाँ ऑरेंज, ऑरेंज लिखा है ना, देखिए यहाँ पर आ गया ग्रे कलर का न्यूट्रल, रेड कलर का फेस पीसीबी में आ गया ना, देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है पीसीबी में ऑरेंज और रेड आ गया, ऑरेंज फेस और ग्रे न्यूट्रल, ठीक है। अब देखिए ऑरेंज, ओ आर एन जी लिखा है, पीसीबी से निकल रहा है, ए ऑपरेटर हीटर पे जा रहा है, देखिए यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है,
जी लिखा है एवापोरेटर हीटर लिखा है। रेड कलर का इसको कहाँ मिल रहा है? फेस मिल रहा है, थर्मल फ्यूज से होकर के फेस मिल रहा है, मिल रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू देखिए इसके अंदर, देखिए स्काई ब्लू यहाँ पर लिखा हुआ है। स्काई ब्लू देखिए जा रहा है कहाँ, कहाँ जा रहा है? वहाँ पर रिले पे, कहाँ जा रहा है? रिले लिखा है ना, स्काई ब्लू रिले पे जा रहा है। और इसी जगह से हमारा ऊपर कहाँ जा रहा है? फैन पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? फैन पे। तो अंदर से ही लूप कर दिया स्काई ब्लू को, दो जगह जा रहा है, एक तो रिले पे जा रहा है, दूसरा क्या फैन पे। तो हम देख रहे हैं क्या रिले पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए इसके अंदर रिले है कि नहीं है, नीचे की साइड में क्या है रिले। तो देखिए स्काई ब्लू का तार आया है कि नहीं आया, तो क्लियर हो गया कि इसके जगह से आपका किस पे जा रहा है, फैन पे जा रहा है और रिले पे आ रहा है। अब देखिए अब इसके अंदर फेस की, इनको सबको कहां मिल गया? न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल ही निकल रहा है ना, क्योंकि फेस देखिए यहाँ डायरेक्ट कर दिया, फेस को क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया फेस। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से लेकर आया बाहर से, रेड कलर का तार किस पे, फैन मोटर पे गया, रेड कलर का तार थर्मल फ्यूज पे गया, तो ये क्या आ रहा है, फेस आ रहा है ना। और फिर देखिए रेड कलर का तार किस पे गया, ओवरलोड प्रोटेक्शन यानी ओएलपी पे गया। देखिए ओएलपी पे निकला है कि नहीं निकला है, ये किसका है, फेस का है, किसका है, फेस का है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओएलपी में क्या दे दिया, फेस दे दिया। तो बिल्कुल आपका ये जो डायग्राम है बिल्कुल किससे कनेक्ट है, इसी डायग्राम से क्या है, कनेक्ट है। तो इसको देख करके आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि फ्रिज के अंदर क्या क्या चीजें कैसे लगी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेस को जैसे आपका आ गया कि ओएलपी में क्या दिया, फेस दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर इस कंप्रेसर के अंदर न्यूट्रल फेस पहुंचना चाहिए, चाहे ओएलपी में हम फेस दें चाहे ओएलपी में न्यूट्रल दें, एक ही चीज जा रही है ना, क्या जा रही है, एक ही चीज। तो कंप्रेसर के अंदर न्यूट्रल फेस की जरूरत है, तो कंप्रेसर के अंदर न्यूट्रल फेस की जरूरत है, तो न्यूट्रल फेस चाहे ओएलपी से मिले चाहे रिले से मिले, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर डायग्राम कंपनी दी है, हम तो थोड़ा बनाए कंपनी डायग्राम, डायग्राम क्या करे, बता रही है कि इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। सबको क्लियर समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आप डायग्राम को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो अब जो हमने डायग्राम आपको डायग्राम बनाया है ना, यही चीज बनाया कि नहीं बनाया, वहां पर आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको क्या कर दिया, बता दिया, बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताया जाता है, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग और एक ही लोगों को खाली बताया जाए, सारे लोगों को यहाँ पर क्या किया जाता है, बताया जाता है, समझ रहे ना, और एक एक लोगों को समझाया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।